गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास सिक्स तरह के यानी छह तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जिनमें फर्स्ट हो गया y इक्वल टू fx इक्वल टू साइन x, सेकेंड है y इक्वल टू fx इक्वल टू cos x, थर्ड हो गया y इक्वल टू fx इक्वल टू tan x, फोर्थ हो गया y इक्वल टू fx इक्वल टू cot x, फिफ्थ हो गया फ्रेंड्स y इक्वल टू fx इक्वल टू cosec x, एंड सिक्स्थ हो गया y इक्वल टू fx इक्वल टू sec x। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इन सारे फंक्शंस का एक एक करके हमें इसका ग्राफिकल स्टडी चेक करना है ना, ग्राफिकल एनालिसिस। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके इन सारे फंक्शंस का ग्राफ देखते हैं और ग्राफ से रिलेटेड सम पॉइंट्स को चेक करते हैं। ओके चलिए फर्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का। इसमें से फ्रेंड्स ये जो छह के छह ग्राफ है ये बेसिक ग्राफ है, ये हमें हर हाल में याद होना चाहिए। ओके ये स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जीरो, ये पॉइंट है पाई, ये पॉइंट टू पाई, ये पॉइंट माइनस पाई, ये पॉइंट माइनस के टू पाई। इस पॉइंट का हम लोग नाम देंगे पाई बाय टू, ये पॉइंट होगा थ्री पाई बाय टू, ये पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के पाई अपॉन टू, ये पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के थ्री पाई बाय टू। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टूडेंट्स ये प्लस का वन होता है और मिनिमम वैल्यू माइनस का कितना होता है वन। अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे खास पॉइंट क्या है कि साइन एक्स का वैल्यू जीरो होगा जब एक्स इक्वल टू कितना हो एन पाई, जहां पे एन बिलोंग्स टू क्या होता है इंटीजर। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने कवर किया यानी साइन एक्स का मान जीरो होगा जब एक्स क्या हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, एक्स क्या हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें देखे, ये जो साइन एक्स है ये होता है पेरियोडिक पीरियोडिक फंक्शन, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो किसके बराबर होता है टू पाई के बराबर होता है। ये पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका टाइम पीरियड किसके बराबर हो गया टू पाई के बराबर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें देखें कि इसका जो डोमेन होता है वो एक्स बिलोंग्स टू आर, और इसका रेंज जो होता है वो वाई बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन क्लोज इंटरवल, यानी क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें क्या बात पता चला कि साइन एक्स का जो जीरो पॉइंट होता है वो क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि यदि हमारा साइन एक्स जीरो हो तो हम लोग जानते हैं कि उस समय एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू होगा वो एन पाई के बराबर होगा। एक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा देखे एन पाई के बराबर होगा। ओके तो ये रहा इन सारे फंक्शन में, इन सारे फंक्शन में हम लोग यही तीन चार पॉइंट को देखेंगे। ओके ये ग्राफ आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसी पे हम लोग इसी ग्राफ के आधार पे आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स को हम लोग ग्राफिकल स्टडी के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड ग्राफ लेते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स। सेकेंड ग्राफ लेते हैं फ्रेंड्स y इक्वल टू कॉस एक्स। सेकेंड ग्राफ है y इक्वल टू कॉस एक्स, ग्राफ चेक करते हैं फ्रेंड्स। ये रहा फ्रेंड्स कॉस एक्स का ग्राफ, ये पॉइंट जीरो, ये पॉइंट पाई अपॉन टू, ये पॉइंट पाई, ये पॉइंट थ्री पाई बाय टू, ये पॉइंट हो गया माइनस के पाई अपॉन टू, ये माइनस पाई, ये माइनस के थ्री पाई बाय टू। ये पॉइंट है फ्रेंड्स मैक्सिमम पॉइंट प्लस का वन, मिनिमम पॉइंट माइनस का वन। ध्यान से देखें फ्रेंड्स कॉस एक्स का वैल्यू जीरो होगा जब एक्स जो होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय क्या हो टू, जहां पर एन बिलोंग्स टू क्या है देखें इंटीजर, एन बिलोंग्स टू क्या है
देखे इंटीजर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है सुन, देखे ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड 2 पाई के बराबर है। यानी देखिए इस माइनस पाई से पाई के ये सारे वैल्यू एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है देखिए रिपीट हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, ये x बिलोंग्स टू क्या है r। फोर्थ पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, y बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। तो ये रहा इसका स्टूडेंट्स डोमेन और ये रहा इसका क्या रेंज। ओके ये रहा इसका डोमेन और ये रहा इसका रेंज। यहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या खास बात देखा, हम लोगों ने एक खास बात देखा कि साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स जिसका डोमेन डोमेन एक्स इक्वल टू क्या होता है आर, एक्स इक्वल टू क्या है देखिए आर, एक्स इक्वल टू आर। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों जो है वो आर क्लब के मेंबर हो गए। क्या हो गया स्टूडेंट बताइए, आर क्लब के मेंबर। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर द मेंबर ऑफ आर क्लब। नोट करके एक पॉइंट लिखिए, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर द मेंबर्स ऑफ आर क्लब। आर क्लब से रिलेटेड स्टूडेंट्स हम लोग सारी कहानी को जानते हैं। यदि स्टूडेंट्स हमें डोमेन निकालना हो, डोमेन ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, चूंकि साइन आर क्लब का मेंबर है तो हम लोग इस पूरे फंक्शन का डोमेन ना निकाल करके हम लोग डोमेन निकालते हैं किसका, डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का। किसका निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन का। अब हम लोग स्टूडेंट जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का जो डोमेन होगा वह एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, जीरो। यहां से स्टूडेंट्स इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक एक्स प्लस वन और दूसरा फैक्टर होगा एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। नंबर लाइन पे वैल्यू पुट करोगे, ये माइनस वन ये प्लस वन प्लस माइनस प्लस, तो हमें पॉजिटिव आगे की ओर पॉजिटिव इस तरफ। तो फाइनली स्टूडेंट्स इसका आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। कितना क्वेश्चन देखे, वन टू इन्फिनिटी। ओके तो इस तरह से स्टूडेंट्स जब भी हमें आर क्लब के मेंबर्स के ऊपर अगर हमें डोमेन निकालना होता है तो हम उस पूरे फंक्शन का डोमेन ना निकाल करके हम लोग किसका डोमेन निकालते हैं, हम लोग डोमेन निकालते हैं उस स्मॉल फंक्शंस का। ओके चलिए अब यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि मान लो अगर कॉस एक्स का वैल्यू जीरो हो तो कॉस एक्स जीरो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय कितने पे, टू पे। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे कॉस का आंसर कितना होता है, जीरो के इक्वल होता है। ओके हम लोगों ने स्टूडेंट्स इन सिक्स फंक्शंस में से दो फंक्शन से रिलेटेड सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया। ओके चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं, थर्ड वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स। थर्ड ग्राफ है स्टूडेंट्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स टेन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब यहां से एक बात समझ में आया स्टूडेंट्स, ये तो रेशनल फंक्शन बन गया, रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कॉस एक्स का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। अब स्टूडेंट देखिए कॉस एक्स का वैल्यू जीरो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। यानी इस टेन एक्स को डिफाइन होने के लिए हमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ये रहा जीरो, सबसे पहले ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू को रिमूव कर लीजिए, ये रहा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, ये रहा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, ये रहा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। सिमिलरली स्टूडेंट्स ये रहा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, ये रहा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू।
एक और ले लेते हैं, ये रहा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, सबका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, ये रहा पाई बाय टू, ये थ्री पाई बाय टू, ये फाइव पाई बाय टू, नेक्स्ट है माइनस के पाई बाय टू, माइनस के थ्री पाई बाय टू, माइनस के फाइव पाई बाय टू, माइनस के फाइव पाई बाय टू। अब इसका ग्राफ क्या है, देखे ये रहा ऊपर से इस तरह से चलेगा, ऐसे जीरो को क्रॉस करते हुए ये नीचे की ओर आएगा। सिमिलरली ये रिपीट करेगा, कहां पे रिपीट करेगा, ये जीरो है तो अगला कहां पे होगा, ऐसा देखे पाई पे, तो ये वैल्यू इस तरह से आया नीचे की ओर, ये वैल्यू कौन सा होगा टू पाई, ये वैल्यू ऊपर से आया इस तरह से नीचे की ओर। सिमिलरली स्टूडेंट देखिए यहां पे ये कौन सा रहा माइनस का पाई, ये लाइन ऊपर से आया इस तरह से ये डाउन, ये वैल्यू कौन सा होगा स्टूडेंट देखिए, ये वैल्यू है माइनस के, माइनस के टू पाई, सेम ऊपर से ग्राफ आएगा और नीचे की ओर, है ना, नीचे की ओर ऊपर से ग्राफ आके नीचे की ओर, तो ये ग्राफ ऊपर से इस तरह से आएगा, ये देखे इस तरह से, उसके बाद किधर जाना है इसको नीचे की ओर, ये यानी ये ग्राफ ऊपर से आया किसकी ओर नीचे की ओर। अब इसको देखिए फ्रेंड्स, इसको देख के बता सकते हैं ये एफ एक्स कहां पे जीरो है, देखिए टेन एक्स कहां पे जीरो है, तो टेन एक्स जीरो पे जीरो है, पाई पे जीरो है, टू पाई पे जीरो है, यानी एवरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे टेन एक्स का मान कितना होता है जीरो। तो यहां से स्टूडेंट्स हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, टेन एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू क्या इंटीजर, क्या पॉइंट क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स ये होता है एक पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड होता है किसके बराबर, देखिए यहां इतना पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, कितना जीरो यानी पाई बाय टू से लेकर के पाई बाय टू, मीन्स इसका पीरियड कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए पाई पीरियड कितना हो गया पाई के इक्वल हो गया। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या देख सकते हैं, थर्ड पॉइंट देखेंगे इसका जो डोमेन होगा वह हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू पूरा पूरा कंप्लीट इंटरवल है एक्सेप्ट जहां पे ये हमारा क्या हो रहा है अनडिफाइंड हो रहा है, तो अनडिफाइंड कहां पे होगा इस पॉइंट पे, यानी एक्सेप्ट 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 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, यानी टू एन प्लस वन पाई बाय टू, इस पॉइंट को छोड़ करके, इस पॉइंट को छोड़ करके। थर्ड क्या है देखें इसका रेंज, इसका रेंज जो होगा स्टूडेंट्स वो कंप्लीट आर होगा, रेंज क्या होगा इसमें देखें कंप्लीट आर, ये रहा डोमेन, ये रहा क्या देखे रेंज। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग टेंथ से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया, ओके इसे नोट डाउन कर ले। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं, नेक्स्ट ग्राफ है कॉर्टेक्स, क्या है देखें नेक्स्ट ग्राफ है कॉर्टेक्स, नेक्स्ट ग्राफ है कॉर्टेक्स, नेक्स्ट ग्राफ है कॉट एक्स, फोर्थ नंबर पॉइंट वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, कॉर्टेक्स होता है क्या इसमें बताइए, कॉर्टेक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहां से एक बात पता चला है स्टूडेंट्स कि इसको डिफाइन होने के लिए साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स डज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉर्टेक्स क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ये रहा जीरो, ये लाइन पाई, ये लाइन टू पाई, ये लाइन माइनस पाई, माइनस के टू पाई, अब बीच में कहीं पे स्टूडेंट्स एक पॉइंट होगा पाई बाय टू, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से नहीं, ग्राफ इसका उल्टा चलता है, यानी यहां से ये स्टूडेंट्स कॉट एक्स का ग्राफ, कॉट एक्स का ग्राफ, इस पॉइंट से स्टूडेंट्स एक पॉइंट निकाल सकते हैं
कि बताइए कहां पे कॉटेक्स जीरो होता है, तो कॉटेक्स इक्वल टू जीरो वेयर एक्स इक्वल टू, देखिए कॉटेक्स कहां जीरो है, कॉटेक्स जीरो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, तो टू एन प्लस वन पाई बाई टू, टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे कॉटेक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं ये एक तरह का पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड जो होता है स्टूडेंट्स वो पाई के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, देखिए इसका डोमेन होगा एक्स बिलोंग टू आर एक्सेप्ट 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 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अब बात आता है स्टूडेंट्स इसके रेंज की, तो इसका रेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कंप्लीट इंटरवल है ना, कंप्लीट वर्टिकल लाइन हो जाएगा, ओके कंप्लीट वर्टिकल लाइन। नोट कीजिए इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने चार फंक्शंस को कवर कर लिया, ओके चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, y इक्वल टू कॉसेक एक्स, क्या है y इक्वल टू कॉसेक एक्स, फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स y इक्वल टू कॉसेक एक्स, फिफ्थ पॉइंट है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स जहां पे कॉसेक एक्स को लिखा जाता है वन अपॉन साइन एक्स, फंक्शन को डिफाइन होने के लिए साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या चाहिए, जीरो। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स कि एक्स डज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ये भी कॉसेक हमारा डिफाइन नहीं होगा, ओके चलिए हम लोग सारे पाई पे वैल्यू को बना लेते हैं। ये रहा अब ये रहा स्टूडेंट्स एक पॉइंट मान लीजिए, ये रहा वन, ये पॉइंट रहा माइनस वन, ये वन ये माइनस वन। अब करना क्या है स्टूडेंट, इसमें हमें डॉटेड लाइन से साइन एक्स बना लेते हैं, तो डॉटेड लाइन से साइन एक्स किस प्रकार से बनेगा, देखिए ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से साइन एक्स से ग्राफ होगी, इसे स्टूडेंट्स हम लोग डॉटेड लाइन से बनाते हैं, है ना डॉटेड लाइन। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखिए कॉसेक एक्स जो होता है साइन एक्स का इनवर्स होता है, इनवर्स मतलब इसे आप क्या कर दो उल्टा कर दो, जैसे स्टूडेंट्स इसे उल्टा करोगे तो देखिए ये किस प्रकार से कवर होगा, ये रहा साइन एक्स का ग्राफ, इसको आप उल्टा कर लेंगे, ये रहा इसका मतलब ये रहा स्टूडेंट्स ये जो डार्क लाइन है ये जो डार्क ग्राफ है ये किसका ग्राफ हो गया, कॉसेक एक्स का ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को देख करके स्टूडेंट्स हम लोग एक पॉइंट तो कह सकते हैं ये कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का वैल्यू जीरो होगा जब एक्स इक्वल टू क्या हो, जब एक्स का मान क्या हो, तो एक्स का मान जीरो, ये जीरो कभी हो सकता है क्या, तो ये जो कॉसेक एक्स है स्टूडेंट्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, तो एक्स का ये कॉसेक एक्स कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, कॉसेक एक्स कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स कि इसका जो होगा एक्स वह एक्स बिलोंग्स टू, ये कंप्लीट इंटरवल है, एक्स बिलोंग्स टू कंप्लीट इंटरवल एक्सेप्ट कौन सा एन पाई, एक्सेप्ट क्या है एन पाई। अब हम लोग बात कर ले रेंज की, तो रेंज जो होगा स्टूडेंट्स वो कंप्लीट आर होगा एक्सेप्ट माइनस वन टू वन, जबकि ये इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन इंटरवल माइनस वन से वन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ओपन इंटरवल माइनस वन से वन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। यदि स्टूडेंट्स इस पॉइंट को एक और शब्द में लिखा जाए तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा, y बिलोंग्स टू हो जाएगा, या इस प्रकार से लिख दे कि मॉड y ग्रेटर देन मॉड y ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इक्वल टू वन, यानी ये भी इसका रेंज हो सकता है, यानी मॉड y ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ओके। अब देख करके बताइए स्टूडेंट्स क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्या कॉसेक एक्स पीरियोडिक फंक्शन है,
आंसर है स्टूडेंट्स कि कॉसेक एक्स भी हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड टी इक्वल टू, देखिए अब ये पार्ट यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कितना हो गया सुन देखे 2π, कितना हो गया 2π, तो 2π इसका बार बार क्या हो रहा है सुन देखे रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कॉसेक एक्स का टाइम पीरियड किसके बराबर हो गया 2π के इक्वल हो गया। ओके लास्ट ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, sec x यानी y इक्वल टू fx इक्वल टू sec x, 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 इस sec x को स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे 1/cos x, इसका मतलब हुआ है स्टूडेंट्स ये cos x does not equal to 0, this implies that x does not equal to odd multiple of pi by 2, यानी odd multiple of pi by 2 is not the part of domain, domain का part नहीं होगा। ओके ग्राफ देखिए pi by 2 ये रहा pi by 2 प्लस के साथ 3π/2 माइनस के π/2 माइनस के 3π/2। अब देखो स्टूडेंट्स इसे ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए ये किसका रेसिप्रोकल है कॉस का, तो सबसे पहले हम लोग कॉस बनाएंगे, ये रहा पॉइंट प्लस वन ये रहा पॉइंट माइनस वन, कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं, डॉटेड लाइन से बना लेते हैं स्टूडेंट्स, किससे डॉटेड लाइन से, ये पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट बताइए, ये पॉइंट हो जाएगा जैसे पाई बाय टू 3π/2, तो बीच में एक पॉइंट तो कहीं ना कहीं पाई होगा, ये जीरो ये पॉइंट पाई, ये पॉइंट कितना 2π, सिमिलरली ये पॉइंट ये जीरो है ये पाई है, तो कहीं ना कहीं यहां पे मिलेगा पाई, ये पॉइंट हमें 2π मिल जाएगा माइनस के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पे सबसे फर्स्ट पॉइंट कि sec x कभी भी जीरो, sec x does not equal to 0, चलिए डोमेन देखते हैं तो x belongs to R except, अब देखिए स्टूडेंट्स इसका ग्राफ का उल्टा कर लीजिए, उल्टा कीजिए तो ये ग्राफ ऊपर चलेगा ऐसे ऐसे, ये ग्राफ इसके नीचे कुछ इस प्रकार से, देख रहे ना इस प्रकार से, पाई बाय टू पे चला गया ना, ये ग्राफ होना चाहिए था यहां, थोड़ा सा मिस्टेक है इस ग्राफ को थोड़ा सा ड्रॉ करने में मिस्टेक हो गया, ग्राफ होना चाहिए था इस प्रकार से, है ना यही ये, तो ये ग्राफ होगा इसका डॉटेड नीचे नीचे क्यों ऐसे, है ना इसका भी ग्राफ होना चाहिए था अब इसका नीचे कीजिए, इसका नीचे ये रहा ग्राफ है स्टूडेंट्स, यानी इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू कौन सा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, ये भी ग्राफ। अब इसका स्टूडेंट्स हम लोग रेंज लिखते हैं, इसका रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -1 to 1। ओके ये ग्राफ स्टूडेंट्स पीरियोडिक होगा, पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड टी इक्वल टू 2π, विथ पीरियड टी इक्वल टू कितना है देखे 2π, टी इक्वल टू 2π। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने सारे फंक्शन यानी ये 6 के 6 फंक्शंस का हम लोगों ने इसका ग्राफ चेक कर लिया, इसका डोमेन देख लिया, इसका रेंज देख लिया, ये पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड कितना है, ये सारे पॉइंट्स हमें ग्राफ से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हमें क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। ओके
चले सर। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? चैप्टर्स इंक्लूडेड विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चैप्टर्स इंक्लूडेड विथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स के नाम क्या क्या है। फर्स्ट स्टूडेंट हम लोग ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। फर्स्ट हम लोग ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ेंगे। सेकेंड होगा स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। थर्ड होगा स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी। तो ये रहा स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और इसी का एक और नाम होता है स्टूडेंट्स सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जब हम लोग इसका निकालेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन इंक्लूड्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास सम टॉपिक्स जहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करेंगे। कौन कौन सा है देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट है जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक, सेकेंड है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, थर्ड है ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी, फोर्थ हो गया सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, एंड फिफ्थ हो गया हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन रिलेटेड टू या दैट इंक्लूड्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखिए फ्रेंड्स ये एक सेपरेट एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक का, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक का एक सेपरेट चैप्टर है जहां पे इसे हम लोग स्टूडेंट्स अप्रोक्स 30 लेक्चर्स में इस ट्रिगोनोमेट्रिक को कंप्लीट करेंगे। ओके अप्रोक्स 30 लेक्चर्स में। सेकेंड है स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ये भी एक सेपरेट चैप्टर है जहां पे इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को हम लोग पढ़ेंगे और इसके अप्रोक्स 10-12 इसके लेक्चर्स बनते हैं। ओके नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, इसके लिए भी स्टूडेंट्स एक सेपरेट चैप्टर है जहां पे इसे कवर करने में अप्रोक्स हमें 6-8 चैप्टर्स यानी 6-8 वीडियोस हमें लगेंगे। ओके नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ये भी एक सेपरेट चैप्टर है जिसको कवर करने में कम से कम हमें अप्रोक्स 10-12 हमें लेक्चर्स लगेंगे। इस चैप्टर्स में स्टूडेंट्स हम लोग सम डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इंक्लूड्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को कवर करते हैं, यानी कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। ओके कुछ क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे डोमेन और रेंज से रिलेटेड, यानी रेंज को तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट इंक्लूड्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दैट इंक्लूड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके
चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन डोमेन ऑफ fx equal to 1/1 + 2 sin x। अब यहां देखें फ्रेंड्स ये 1/1 फंक्शन है तो डोमेन निकालने के लिए हमें 1 + 2 sin x को करना पड़ेगा, डज नॉट इक्वल टू कितना 0। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 sin x डज नॉट इक्वल टू -1, sin x डज नॉट इक्वल टू -k 1/2, sin x डज नॉट इक्वल टू -k 1/2। अब देखें स्टूडेंट्स साइन एक्स का ग्राफ हमें याद होना चाहिए, यह है स्टूडेंट साइन एक्स का ग्राफ, -k 1/2 कहीं ये लाइन होगा -k 1/2। अब सही से देखें स्टूडेंट्स ये वैल्यू कहां पे कट हो गया, इस पॉइंट पे कट हो गया, ये पहला पॉइंट होगा जहां पे हमें नेगेटिव ऑफ 1/2 वैल्यू हमें मिलेगा। अब इस वैल्यू को किस प्रकार से निकालते हैं स्टूडेंट देखें, तो सबसे पहले 1/2 को देखते हैं, पॉजिटिव के 1/2, तो पॉजिटिव का 1/2 हमें मिलता है x इक्वल टू कितना पे, x इक्वल टू पॉजिटिव का मिलता है कितना पे देखें, पाई बाय 6 पे, यानी 30 डिग्री, यानी पाई अपॉन 6 पे प्लस। अब ये देखिए फ्रेंड्स पाई से कितना आगे है, तो पाई बाय सिक्स आगे है तो प्लस का पाई, तो ये पॉइंट हो जाएगा फ्रेंड्स 7π/6। कितना हो जाएगा सर देखें, 7π/6। तो फाइनली स्टूडेंट्स इसका जो जनरल आंसर होगा वो जाएगा x डज नॉट इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n इंटू में हो जाएगा अल्फा, डेट इज 7π/6, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब फाइनली स्टूडेंट्स लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट ये वैल्यू डेट इज n पाई प्लस -1 to the power n इंटू 7π/6 वेयर n डज नॉट इक्वल टू इंटीजर, n डज नॉट इक्वल टू क्या देखे इंटीजर। अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने इस साइन एक्स इक्वल टू -1/2 था इसको किस प्रकार से लिखा, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर इस सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर करते हैं। ओके एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है, हम लोग तीन फॉर्मूला को याद करते हैं, अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा हो तो इसके लिए सोल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 to the power n इंटू अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। सेकेंड फॉर्मूला क्या है इसमें देखें, अगर हमारा कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो इसके लिए फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड है फ्रेंड्स ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड इक्वेशन से रिलेटेड थर्ड फॉर्मूला है टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, हमने देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा था साइन एक्स इक्वल टू हाफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ। मान लीजिए फ्रेंड्स अगर हमारा क्वेश्चन होता साइन एक्स इक्वल टू हाफ, तो यहाँ से फ्रेंड्स हाफ वैल्यू चेक करते, तो हाफ हमें इस लाइन पे कटा हुआ मिलता, देखे हाफ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कट गया, तो ये वैल्यू कितना पे है देखे पाई बाय सिक्स। तो इसका जनरल आंसर होता है फ्रेंड्स एक्स इक्वल टू एन पाई, देखिये फॉर्मूला एन पाई प्लस -1 to the power n इंटू अल्फा, अल्फा ये है अल्फा कितना π/6, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या होता है देखे इंटीजर, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये 6 यानी ये 3 फॉर्मूला का यूज करते हैं, इस तीन फॉर्मूला का यूज करते हैं। यह स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट। ओके चलिए स्टूडेंट्स सेकंड देखते हैं हम लोग,
सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड आंसर देखिए, डोमेन ऑफ fx इक्वल टू 1 upon under root of 1 plus 2 sin x. यहां पे देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमें क्या करना होगा, ये 1 upon under root का फंक्शन है, तो डोमेन निकालने के लिए इस फंक्शन को जो अंदर का पार्ट है वो डज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. क्या होना चाहिए स्टूडेंट, देखिए ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या फ्रेंड्स कि हम लोग लिखेंगे साइन एक्स ग्रेटर देन माइनस के हाफ, यानी साइन एक्स का वैल्यू माइनस के हाफ से क्या होना चाहिए, ग्रेटर. साइन एक्स का वैल्यू माइनस के हाफ से क्या होना चाहिए, ग्रेटर. अब ये जो टर्म बन गया फ्रेंड्स, ये टर्म बन गया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी. क्या बन गया देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक इन इक्वालिटी. इसे फर्स्ट क्वेश्चन में जब स्टूडेंट्स हमने डोमेन निकाला तो वहां पे कॉन्सेप्ट यूज हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, और यहां पे यूज हो गया सेकेंड क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यानी फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को कवर कर लिया, और सेकेंड पार्ट में यानी सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग कवर करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी को. देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्या है, हमें यहाँ पे दो ग्राफ ड्रॉ करना है साइमल्टेनियस. दो ग्राफ कौन, एक साइन एक्स और दूसरा वाई इक्वल टू माइनस के हाफ. चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ये रहा साइन एक्स का ग्राफ. सेकेंड ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे माइनस का हाफ. ये रहा पॉइंट माइनस का हाफ. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखें ये रहा माइनस के हाफ. पॉइंट क्या बोल रहा है कि साइन एक्स जो होना चाहिए इस हाफ से बिगर, हाफ से बिगर. तो हाफ से बिगर वैल्यू किधर है, इस तरफ या इस तरफ, जरा सोच के बताइए. साइन एक्स से बिगर वैल्यू किधर होगा, साइन एक्स इक्वल टू माइनस के हाफ, इससे बिगर वैल्यू किस तरफ होगा. देखिए दो पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ये, इससे बिगर यानी ऊपर की ओर हमारा ये ग्राफ काम में आ गया. देखना ना, ये ग्राफ काम में आ गया. अब इसके यहां से लेकर के यहां तक ये सारा वैल्यू हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है. तो कौन सा वैल्यू है, देखिए ये पॉइंट होता पाई, इससे कितना आगे है, तो पाई बाय सिक्स आगे. कितना आगे है, पाई बाय सिक्स. तो आंसर हो गया स्टूडेंट्स पाई प्लस पाई बाय सिक्स विच इज इक्वल टू 7π/6. अब इस पॉइंट पर देखिए फ्रेंड्स, ये जीरो से कितना पीछे है, तो पाई बाय सिक्स पीछे है. इसका मतलब ये पॉइंट हो गया फ्रेंड्स माइनस के पाई बाय सिक्स. तो यहां से फ्रेंड्स हमें मिला x बिलोंग्स टू माइनस पाई अपॉन सिक्स टू सेवन पाई बाय सिक्स. ये रहा फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर. ये आंसर होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अगर स्टूडेंट्स हमें इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो फॉर जनरल सॉल्यूशन हमें ऐड करना होता है. जनरल सॉल्यूशन के लिए ऐड बोथ साइड कितना, एन टी हमें ऐड करना होता है, जहां टी का मतलब हो गया स्टूडेंट्स टाइम पीरियड. तो दोनों तरफ एन टी एड कर लीजिए. तो साइन का स्टूडेंट, साइन का जो टी होगा वो किसके बराबर होता है, 2π. हम लोगों ने ग्राफ में साइन का टाइम पीरियड कितना पढ़ा था, 2π. तो दोनों तरफ 2π हमें क्या करना होगा, देखें 2n π हमें क्या करना होगा, एड करना होगा. तो जनरल सॉल्यूशन हो गया एक्स बिलोंग्स टू 2n π माइनस के पाई अपॉन सिक्स कॉमा 2n π प्लस का 7π/6. ये रहा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर. ओके
ये रहा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। यानी डोमेन निकालने के लिए हमें दो दो चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक इन इक्वालिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक इन इक्वालिटी और साथ ही साथ ग्राफ। ओके, साथ ही साथ ग्राफ। ये सारे पॉइंट्स जब तक आपको कवर नहीं होंगे, अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डोमेन को फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, थर्ड क्या सुन लीजिए, थर्ड है डोमेन ऑफ एफएक्स इक्वल टू अंडर रूट कॉस, फिर अंदर में क्या है साइन एक्स, अंडर रूट कॉस ऑफ साइन एक्स, हमें इसका डोमेन निकालना है। तो ये स्टूडेंट्स अंडर रूट का फंक्शन हो गया, तो डोमेन के लिए कॉस ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चाहिए, जीरो। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो साइन एक्स है इसकी वैल्यू माइनस वन टू कितना होगा, वन। यानी साइन एक्स अपना वैल्यू माइनस वन से कहां तक लेगा, वन तक। जब साइन एक्स माइनस वन से वन तक लेगा तो कॉस की वैल्यू हम लोग कहां से कहां तक देखेंगे, माइनस वन से वन तक। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं कॉस का माइनस वन से वन के बीच और उससे ग्रेटर लेते हैं वैल्यू, उससे ग्रेटर वैल्यू लेते हैं। तो कॉस का ग्राफ देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ये रहा कॉस का ग्राफ, ये रहा माइनस पाई, ये रहा पाई। पाई का मतलब होता है स्टूडेंट्स 3.14, माइनस पाई का मतलब हो गया माइनस के 3.14। इसका मतलब यह फ्रेंड्स, ये जो माइनस वन से वन कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ये रहा माइनस वन, ये रहा वन। अब क्या है, देखे इस माइनस वन पे पॉइंट है यहाँ, ये पॉइंट है यहाँ, है ना, माइनस वन पे पॉइंट है यहाँ, सेकेंड पॉइंट हो गया यहाँ। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए इससे बिगर वैल्यू, जो कि किससे बिगर होना चाहिए, जीरो से। क्या है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है कॉस एक्स का क्या जीरो से बड़ा है, ये पॉइंट क्या जीरो से बड़ा है, तो आंसर है कि हाँ, ऑलवेज या कभी कभी, ऑलवेज ऑलवेज, ये ऑलवेज ट्रू है। जब ऑलवेज ट्रू हो गया तो x बिलोंग्स टू क्या होगा इसमें, देखे r, x बिलोंग्स टू r, यानी कि cos ऑफ sin x हमेशा हमेशा जीरो से क्या होता है, ग्रेटर होता है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू क्या इसमें, देखे r, x बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये दो फंक्शन किसके रूप में लिखा हुआ है, एडिशन के रूप में लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ है स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग d1 डोमेन निकालेंगे, यहां से क्या निकालेंगे d2, और दोनों का फाइनली क्या कराना होगा, इंटरसेक्शन। चलिए स्टूडेंट्स फॉर डी वन के लिए चलते हैं। तो d1 के लिए साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। यानी साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब सोचिए स्टूडेंट्स, साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, एक्स जीरो का ग्राफ बनाएंगे, ये रहा साइन एक्स का ग्राफ, हाँ ये लाइन है जीरो, ये लाइन है जीरो। अब देखिए स्टूडेंट्स इन दो पॉइंट को, एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां, उससे ऊपर का ग्राफ ये हो गया, यहां बनेगा स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड डोमेन निकालते हैं फॉर डी टू के लिए क्या करना होगा, इसमें देखिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 16 लेस देन इक्वल टू जीरो, एक हो गया एक्स माइनस फोर, एक हो गया एक्स प्लस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो। फाइनली मिला स्टूडेंट्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस फोर टू फोर। अब क्या कराना है स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन कराना है, क्या कराना है इंटरसेक्शन। चलिए स्टूडेंट्स हम इंटरसेक्शन कराते हैं, ये वैल्यू जीरो टू यानी पाई का मतलब क्या हो गया, देखिए पाई का मतलब हो गया जीरो से लेके 3.14,
तो ये रहा जीरो, ये रहा 3.14 यानी पाई के बराबर, इसके बीच का वैल्यू, इसके बीच का वैल्यू। सेकेंड क्या ऑप्शन देखे, -4 to 4, -4 कहां पे होगा ऑप्शन देखे, ये रहा -4, प्लस का 4 कहां मिलेगा, यहां, इसकी वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक। तो दोनों फंक्शन में स्टूडेंट्स कॉमन पार्ट कहां पे है देखिए, तो कॉमन पार्ट रहा है स्टूडेंट्स ये पॉइंट रहा है इसका कॉमन। तो फाइनली आंसर हो गया स्टूडेंट्स एक्स बिलोंग्स टू 0 to π, इस क्वेश्चन का क्या रहा देखे सोल्यूशन रहा, 0 to π इस क्वेश्चन का क्या रहा देखे सोल्यूशन रहा। बहुत ही सिंपल है, यानी जब भी हमें साइन और यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड अगर हमें डोमेन निकालना हो तो इसके लिए हमें ग्राफिकल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्राफिकल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुन देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin x = x/10। इस तरह के क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, एक sin x का ग्राफ बनाएंगे और एक बनाएंगे x/10 का ग्राफ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग sin x के ग्राफ देखते हैं। ये रहा स्टूडेंट्स sin x का ग्राफ। अब हमें x/10 का ग्राफ बनाना है। अगर x का ग्राफ होता तो बिल्कुल 45 एंगल से जाता, चूंकि ये x/10 है तो ग्राफ थोड़ा सा डाउन होके जाएगा। तो डाउन होके किस प्रकार से जाता है स्टूडेंट देखिए, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन, चार, पांच, छह और ये 7। ये ग्राफ किसका था देखिए स्टूडेंट्स, x/10 का। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हो गए, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 10। तो सॉल्यूशन भी कितने हो गए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितना हो गया स्टूडेंट देखिए टेन। यानी हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, एक x/10 का ग्राफ बनाएंगे, दोनों देखेंगे कि कितने जगह पे इंटरसेक्ट हुआ है। जितना जगह पे इंटरसेक्ट होगा ये इसके सॉल्यूशंस का पार्ट होगा। तो ये 7 जगह पे इंटरसेक्ट हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन भी कितना होगा स्टूडेंट देखिए 7। इसका सॉल्यूशन भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट बताइए 7। देखिए स्टूडेंट्स आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पीछे के वैल्यू को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए गिनती कीजिए, उधर से लेफ्ट साइड से 1 2 3, फिर ओरिजिन पे एक, ओरिजिन पे एक और फिर आगे में 3। तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गया इसमें देखे, टोटल सॉल्यूशन हो गया 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें इसका और इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं, ये रहा स्टूडेंट्स साइन एक्स का ग्राफ। अब हमें स्टूडेंट्स इसका ग्राफ चेक करना है, किसका ग्राफ, एक तो ग्राफ हो गया साइन एक्स का, एक ग्राफ चेक करना है इसका, दोनों का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। अब ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, ओके। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका यानी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका वर्टेक्स आ जाएगा माइनस के हाफ पे। उस समय इसकी वैल्यू होगा स्टूडेंट्स इस वन से बिगर कुछ इस तरह से, ये रहा स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ 3/4 -1/2 3/4 यानी वन से थोड़ा सा छोटा यानी ये लाइन यहां ना होकर के ये लाइन होता है कहां पे देखे, इस जगह पे, कुछ इस जगह पे वन से थोड़ा सा कम यानी यहां पे। लेकिन ये पॉइंट कहां से पास होता है, इस तरह से यानी कि ये पॉइंट है वर्टेक्स का -1/2, 3/4। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये ग्राफ और ये ग्राफ क्या दोनों कहीं भी इंटरसेक्ट हुआ, तो देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट, बिटवीन साइन एक्स एंड अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² + x + 1। दिस इंप्लाइज दैट नो सॉल्यूशन यानी यहां पे कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेंगे, ओके, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स इस क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया। इस सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि साइन का ग्राफ या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के यानी सिक्स फंक्शंस के ग्राफ हमें याद होना चाहिए और उनसे रिलेटेड सम पॉइंट्स भी हमें याद होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने देखा कि इसके डोमेन निकालने के लिए हमें बहुत सारे चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिगोनोमेट्रिक इन इक्वेशन और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर ग्राफ याद होंगे तो हम इससे रिलेटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को भी फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। सभी लोग वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।